हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिश्ता क्या कहलाता है इस शो के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, एक के बाद एक कई सारे सीजन आते रहे इस शो के और सभी सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस सीज़न की स्टोरी जोड़ी जो रही है आप लोगों की फेवरेट रही है, किसको जनता ने ज़्यादा पसंद किया है और कौन है नंबर वन पर आज भी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। इस जोड़ी की बात करें यानी कि सीजन फर्स्ट की, तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और यहीं से ये शो ने एकदम कमाल किया था। इस जोड़ी ने आज भी लोगों के दिलों पर कुछ ऐसा अपना असर छोड़ रखा है कि आज भी इस जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद। जनवरी 2009 में ये शो स्टार्ट हुआ था। 2016 में यहाँ पर इस जोड़ी ने एग्जिट करी थी शो से। सात से आठ साल तक ये जोड़ी लगातार अपने दम पर TRP लेकर आती रही। इसके बाद यहाँ पर कायरा की एंट्री होती है यानी कार्तिक और नायरा की, यानी कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी यहाँ पर एंट्री करते हैं। दोनों ने भी, इस जोड़ी ने भी कमाल किया। जी हाँ, यहाँ पर 2016 में इस जोड़ी की एंट्री होती है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 4 से 5 साल तक यह जोड़ी जो थी सुपर डुपर हिट साबित हुई। 2021 में इस जोड़ी ने एग्जिट किया है। इस जोड़ी को भी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सो यही वजह रही कि ये जो शो रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लगातार अन्य रहा और इसने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। इसके अलावा बात करें तो आप जानते होंगे 2021 में अभी स्टार्टिंग की है अक्षरा और अभिमन्यु ने, यानी कि प्रणाली राठौर और हर्षित चोपड़ा ने। दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करी जा रही है। ये भी सुपर डुपर हिट जा रही है जोड़ी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर TRP आ रही है इस जोड़ी को लेकर। लेकिन अगर बात करें इन तीनों जोड़ी के बारे में, तो नंबर वन पर जोड़ी जो है उसका नाम है नैतिक और अक्षरा की जोड़ी। जी हाँ, ये जोड़ी लगातार 7 से 8 साल तक ऑन एयर रही और लगातार काफ़ी अच्छी TRP लेकर आई है। और वहीं बात करें शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की जोड़ी के बारे में, तो ये 5 साल तक ऑन एयर रही और अक्षरा अभिमन्यु की बात करें तो ये फिलहाल के लिए ऑन एयर है। सो ऐसे में आज भी नंबर वन पर अक्षरा और नैतिक की जोड़ी ही बनी हुई है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।